लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि कोई भी जगह को अगर टूर करना है तो आपका बजट क्या होना चाहिए। इवन ऑन माय फर्स्ट विजिट टू केरला मेरे को हमेशा से अथिरापल्ली आना था, एंड वी आर एक्चुअली गोइंग टू बी वॉकिंग फ्रॉम बिटवीन द फॉरेस्ट टू रीच द फॉल्स। करंटली आई एम ईटिंग सम चिकन बिरयानी। हाय दोस्तों एंड वेलकम टू एन ऑल न्यू यूट्यूब वीडियो। जैसे कि आप इस वीडियो के टाइटल से जान ही चुके होंगे, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केरला का ट्रिप प्लान विद बजट, आइटनरी डिटेल्स, ट्रांसपोर्टेशन, बेस्ट टाइम टू विजिट, थिंग्स यू कैन डू ओवर देयर, एवरीथिंग कवर्ड ओवर हियर। तो डेफिनेटली बने रहे इस वीडियो में, एंड ऑल्सो यू कैन रेफर टू द टाइम स्टैम्प्स अंडरनीथ द वीडियो इफ यू वॉन्ट टू नेविगेट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन दिस वीडियो। ऑल्सो बिफोर आई स्टार्ट, मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग आपके घर में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ and your family, and also I hope you're getting vaccinated. In my personal life, I have actually kind of shifted to a new place. जैसे कि मैं आपके साथ details कभी कभार share करती ही रहती हूँ, without travel, how's my life treating me? इसी चक्कर में मैंने एक नया channel भी बनाया है, अगर आप subscribe नहीं है then you can definitely consider subscribing. And उस channel में मैं सारी वो videos डालती हूँ जो मेरे घर से related होती हैं या फिर मेरे lifestyle से related होती हैं, not specifically related to travel only. So without any further ado, let's get started with the video and discuss everything about Kerala. Begin with the best time to visit Kerala so that your trip is more enjoyable and आपको कोई परेशानी ना हो। जैसे कि अगर आप गर्मी के मौसम में केरला जाएंगे then you'll definitely feel extremely hot because Kerala is a tropical destination. बहुत गर्मी होती है, बहुत harsh sunlight होती है, and also it's humid mostly. So keeping these points in mind, the best time to visit is actually between September to March. एंड अगर आपको ऑफ सीजन भी जाना है तो वैसे तो आप जा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, एंड ऑफ सीजन ट्रैवल इज ऑलवेज चीपर देन इन सीजन ट्रैवल। बट अगर आपको केरला कंड्यूसिव वेदर में विजिट करना है तो विंटर मंथ्स आर यूजुअली द मोस्ट प्रेफरेबल टाइम ऑफ विजिटिंग केरला। नेक्स्ट वी कम टू द बजट ऑफ द ट्रिप। सी जैसे मैं अपनी पिछली वीडियोज में भी कह चुकी हूँ, द बजट ऑफ एनी प्लेस वुड इंटायरली डिपेंड ऑन हाउ मच आर यू विलिंग टू स्पेंड ऑन इट और वॉट इज द अमाउंट दैट यू हैव अक्यूमुलेटेड फॉर अ सर्टन टूर। जैसे कि आपको कोई भी ट्रैवल को बहुत ही बजटेड बनाना है तो देर आर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर दैट, एंड इफ यू वांट टू स्पेंड अ लग्जूरियस वेकेशन और इफ यू गोइंग फॉर अ स्पेशल ओकेजन देन डेफिनेटली उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे किसी भी डेस्टिनेशन में। बट इन एनी केस इफ यू आर प्लानिंग योर बजट देर इज ऑलवेज गोइंग टू बी टू एलिमेंट्स ऑफ योर बजट। वन इज गोइंग टू बी द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ योर ट्रिप, जैसे कि फ्लाइट टिकट्स या फिर ट्रेन टिकट्स। आप केरला पहुंचने के लिए या तो ट्रेन ले सकते हैं या तो फ्लाइट ले सकते हैं। ट्रेन लेंगे तो देर आर अ लॉट ऑफ मेजर जंक्शंस लाइक कोटयम, कोल्लम, अर्नाकुलम, कोझिकोड, थिरुवनंतपुरम, तो आप इन सब जगहों पे अपना यू नो टूर स्टार्ट करने का प्लान कर सकते हैं बेस्ड ऑन वेर एवर इट इज दैट यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम। बट यू कैन ऑल्सो टेक अ फ्लाइट टू मेजर एयरपोर्ट्स लाइक कोझिकोड और कोची और इवन त्रिवेंद्रम। बट लेट मी ऑल्सो गिव यू अ कॉस्ट कंपेरिजन बिटवीन दीज टू ऑप्शन एंड विच वन शुड यू ऑप्ट फॉर। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं न्यू डेली से स्टार्ट करूंगी, दैट इज गोइंग टू बी माई स्टार्ट पॉइंट टू रीच केरला। बट इफ आई एम टेकिंग अ फ्लाइट फ्रॉम न्यू डेली टू केरला, इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 3500 टू 7000 बेस्ड ऑन विच एयरपोर्ट एम आई लैंडिंग एट, विच सीजन एम आई ट्रैवलिंग इन और मैंने कितने एडवांस में बुकिंग की है। सो आई थिंक एटलीस्ट द लोअर ब्रैकेट ऑफ इट इज क्वाइट इकोनॉमिकल। 3500 की फ्लाइट है एंड द फ्लाइट टाइम इज अप्रॉक्सिमेटली जस्ट 3 hours, बिकॉज इफ आई हैव टू टेक अ ट्रेन फ्रॉम डेली टू केरला, let's say so on an average the train duration is 1 day 17 hours, which I feel like is a very long duration unless you want to take a train trip. मतलब अगर आपको train journey को ही अपनी trip का highlight बनाना है तो आप definitely consider कर सकते हैं। But if you want to spend more time in Kerala itself and you have a limited duration, जैसे कि आपका 7 to 14 days की duration है, उसमें से आपको दो दिन सिर्फ travel करने में नहीं spend करने, तो obviously a flight makes sense. And if I have to also give you a cost comparison, a train from New Delhi to Ernakulam will cost you approximately 2500 to 7000 based on which coach are you traveling in. So I feel like for me it makes sense to just pitch in a little extra, book a little in advance and take a flight from over here to Kerala. But अगर आप कोई ऐसी location में है जो Kerala से बहुत पास है, जैसे कि if you're traveling from Karnataka or even from Tamil Nadu, it makes sense to take a train because the duration will be lesser and the cost will be also lesser in comparison. But the second thing is going to be variable cost, which is entirely going to be dependent on the number of days that you spend at a place, the accommodation that you're booking, the type of accommodation. क्या आप एक 5-star property में रह रहे हैं या फिर आप एक homestay में रह रहे हैं या फिर आप एक बहुत ही budget friendly hostel में रह रहे हैं।
And the amount that you spend on your accommodation based on your type of accommodation will also get multiplied into the number of days. Jaise ki agar aapki accommodation ka cost 3000 hai every day on an average, and if you're spending 9 days at a place, to aapka wahi budget exactly 27,000 ho gaya. So as you can imagine, it will increase with the number of days that you spend at a place. To agar aapko ek bahut hi budget friendly trip plan karni hai apne liye, to aap koi aise 1000 per night के हॉस्टल में या फिर 500 per night के हॉस्टल में भी रुक सकते हैं. For a 1000 rupees accommodation in a hostel, multiplied by say 10 days, you are basically spending 10,000 on accommodation. So that is how you can plan your budget and you know also vary between like a really nice property or a very budget friendly property at different locations also. जैसे कि आपने मेरे केरला सीरीज में देखा ही होगा कि हर जगह जहाँ पे भी मैं रुकी हूँ वहाँ पे जो accommodation type था was a little different. There were 5-star properties, there were homestays, and there were also some nice chic boutique kind of places. So whenever you're planning your trip, depending on your budget, you can choose accordingly. Another variable cost is also transportation between cities or between towns. Jaise ki jab main Kerala tour kar rahi thi, instead of renting out a car, I actually took a cab because I thought that would just limit the amount of stress in terms of, you know, visiting places. Because when you're driving yourself, although I do like self-drive trips also, but when you're driving, what happens is ki aapko apni trip ko aise plan karna padta hai jab aap least tired honge. Jaise ki aapne 3 din spend kiye kisi jagah pe and then the next day you plan on driving, then you definitely have to also take a rest day after driving the next day. To isliye maine socha ki chalo cab lenge and I'll mostly plan the cab time at night time so that it is, you know, easier to travel intercity or interplace. एंड केरला की कैब कॉस्ट थोड़ी मुझे एक्सपेंसिव लगी पर्सनली. जैसे कि आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ऑन एन एवरेज 3000 to 7000 कॉस्ट कर सकता है. मैंने कुछ कुछ वीडियोज में अपने कैब कॉस्ट मैंशन भी किया है, बट इफ आई हैव टू गिव यू एन एग्जाम्पल, फॉर मी टू गो फ्रॉम अथीरापल्ली टू वागमन, इट कॉस्टेड 5000 रुपीज. सो दीज आर वेरिएबल कॉस्ट इफ यू ट्रैवलिंग इंटर सिटी और इंटर टाउन. बट इफ यू डोंट वॉन्ट टू टेक कैब्स, यू कैन ऑल्सो टेक बसेज और ट्रेन. जैसे कि ऑन एन एवरेज इफ यू ट्रैवलिंग फ्रॉम त्रिवेंद्रम टू वर्कला, ट्रेन कॉस्ट कैन ऑल्सो बी एज लो एज 10 रुपीज, विच इज क्वाइट इकोनॉमिकल. एंड बस कॉस्ट ऑल्सो सिमिलरली इज क्वाइट लो. सो बैक इन 2017 व्हेन आई वेंट टू केरला द फर्स्ट टाइम, तब मैं एक बैक पैकिंग ट्रिप पे थी एंड आई ऑल्सो प्रेफर टेकिंग द स्टेट बस बिटवीन अ लॉट ऑफ डेस्टिनेशन, and that was mostly very economical. But if you want to travel in comfort or if you want to have the luxury of taking off from one place to another at any point of time in the day, तो आप कैब्स कंसिडर कर सकते हैं या फिर आप एक सेल्फ ड्राइव ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं. आई थिंक फॉर माई सेल्फ, मैं शायद अगर फिर से केरला विजिट करूंगी तो मैं एक सेल्फ ड्राइव ट्रिप भी करना चाहूंगी जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ इट. और मे बी आई प्लान अ सेल्फ ड्राइव ट्रिप टू ईदर कर्नाटका और सम अदर स्टेट इन द साउथ, बिकॉज मुझे लगता है उसका एक्सपीरियंस भी मेरे लिए काफी वैल्यूएबल होगा एज अ ट्रैवल कॉन्टेंट क्रिएटर और इवन एज अ ट्रैवल एंथुजियास्ट. आई थिंक वन ऑफ द लास्ट वेरिएबल कॉस्ट दैट आई वॉन्टेड टू डिस्कस वॉज द फूड ऑप्शंस, बिकॉज केरला में इतनी ज्यादा वैरायटी है. आप जहां पे रह रहे हो, जो भी आपका प्लेस ऑफ अकोमोडेशन होगा, आप वहां पे भी उस जगह के भी रेस्टोरेंट में खा सकते हैं या फिर यू कैन ऑल्सो हैव स्ट्रीट फूड विच इज वेरी वेरी डिलिशियस. आपको किसी भी स्ट्रीट जंक्शन पे खाना बहुत ही इकोनॉमिकल मिल जाएगा, जैसे कि एज लो एज 100 rupees, 50 rupees और इवन 500 rupees. एंड द अपर लिमिट ऑब्वियसली इज डिपेंडेंट ऑन इंटायरली कि आप कहां पे खा रहे हैं, कितनी अच्छी जगह पे खा रहे हैं, कौन से रेस्टोरेंट में खा रहे हैं. इन सारी जगहों के रिकमेंडेशंस भी मैंने अपनी ट्रैवल सीरीज में एटलीस्ट कवर किए हैं, सो यू कैन वॉच देम फॉर रेफरेंसेज ऑफ प्लेसेस टू ईट एट ऑल्सो. सो आई कांट गिव यू अ ब्रैकेट ऑफ हाउ मच शुड यू बी स्पेंडिंग इन योर वेरिएबल कॉस्ट, बट अगर आप अपने फ्लाइट्स के या फिर ट्रेन के फिक्स्ड कॉस्ट के साथ अकोमोडेशन एंड नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लें, तो इट विल गिव यू अ गुड आइडिया ऑफ हाउ मच विल यू बी स्पेंडिंग व्हेन यू प्लानिंग अ ट्रिप टू केरला, एंड यू कैन प्लान योर बजट अकॉर्डिंगली. और उसके बाद थोड़ा सा सरप्लस लेके चलिए बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज एंड हाउ मच फूड आर यू गोइंग टू बी कंज्यूमिंग. वेल ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी हैविंग एटलीस्ट 3 meals पर डे. नाउ लेट्स कम टू माई फेवरेट पार्ट इन दिस वीडियो, विच इज डिस्कसिंग द आइटनरी, बिकॉज आई feel like I have so much to share about itinerary from my personal experience of at least visiting Kerala thrice. So the thing is, agar aap mere blog page pe jayenge, jisko main niche link bhi kar dungi, there is already an itinerary that I've provided over there for different durations that you can visit Kerala for, like a 7-day itinerary, a 14-day itinerary, and even a 24-day itinerary, which is like the ultimate itinerary you can ever follow, especially agar aapke paas bahut sara time hai ya fir if you are working from
केरला क्योंकि दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन दीज डेज. एंड इस ब्लॉग पोस्ट में मैंने सब कुछ मैंशन किया है, थिंग्स यू कैन डू, द रूट मैप एंड ऑल्सो ऑल द मेजर प्लेसेज दैट यू कैन बी विजिटिंग. सो आई वुड रिकमेंड इफ यू प्लानिंग अ ट्रिप टू केरला यू कैन चेक आउट दिस अल्टीमेट केरला आइटनरी गाइड. Otherwise, right now in this video also, I'm going to discuss the 24-day itinerary with you, just to give you an idea of all the major touch points at least that you can cover. And आप अपने itinerary को कैसे customize कर सकते हैं based on the number of days that you have. So what I did was, मेरे पास around 13 to 14 days थे केरला के लिए, तो मैंने इसमें से सारी जगह नहीं विजिट की. और मैंने वो क्यों नहीं विजिट की वो भी मैं आपको जल्द ही बताती हूँ. सो आई स्टार्टेड माई ट्रिप फ्रॉम वायनाड साइड बिकॉज मैंने कर्नाटका से ट्रैवल करना शुरू किया था. आई वॉज सर्फिंग इन कर्नाटका एंड देन आई वॉन्टेड टू विजिट केरला, तो इसलिए मैंने वहां से स्टेट क्रॉस किया बाय रोड. बट इफ यू वॉन्ट टू डू अ 7 or 14 day itinerary, यू कैन ऑल्सो लैंड एट कोची या त्रिवेंद्रम. इन माई केस बिकॉज आई स्टार्टेड फ्रॉम वायनाड, आई एम गोइंग टू ऑल्सो गिव यू एन ऑप्शन ऑफ वेयर यू कैन लैंड. तो कोझिकोडी में एक एयरपोर्ट है, कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप वहाँ पे लैंड कर सकते हैं अगर आपको वायनाड साइड से स्टार्ट करना है. तो वायनाड में एक्चुअली बहुत कुछ है करने को जो मैंने नहीं कवर किया था अपनी वीडियो में बिकॉज आई वाज देयर फॉर जस्ट वन डे एंड दैट वाज काइंड ऑफ लाइक अ यू नो जंक्शन डेस्टिनेशन फॉर मी फॉर हेडिंग टू द रेस्ट ऑफ द प्लेसेज दैट आई वॉन्टेड टू ऑल्सो कवर. एंड क्योंकि मेरे पास कम दिन थे तो इसलिए मैंने वायनाड को बहुत अच्छे से नहीं कवर किया. एंड द नेक्स्ट टच पॉइंट दैट आई वुड रेकमेंड इज कि आप अथीरापल्ली वाटरफॉल जरूर जाएं बिकॉज इट्स सो मेजेस्टिक एंड सो ब्यूटिफुल. इट्स ऑल्सो द लोकेशन of Bahubali where it was shot some of the scenes and मुझे वहाँ का जो गाना जो वहाँ की शूटिंग थी वो वाला गाना मुझे बहुत पसंद है. नेक्स्ट टच पॉइंट कैन बी मुन्नार. मुन्नार इज अ वेरी फेमस डेस्टिनेशन इन केरला एंड इट्स मोस्टली फेमस फॉर इट्स टी प्लांटेशन, इट्स लश ग्रीन टी प्लांटेशन विच स्प्रेड ओवर एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड. सो इफ यू वॉन्ट टू गेट दैट पैनोरमिक व्यू ऑफ ग्रीन लीव सराउंडिंग यू फ्रॉम द होराइजन टू होराइजन, मुन्नार इज अ डेस्टिनेशन यू कैन कंसिडर. सी द रीजन वाई आई डेंट विजिट मुन्नार वॉज क्योंकि मैं ऑलरेडी 2017 में एक तो जा चुकी हूँ एंड वेन आई विजिटेड इन 2017 आई वेंट टू अ वेरी नाइस होम स्टे ओवर देयर. जिस होम स्टे के जस्ट पीछे एक बहुत बड़ी सी स्पाइस प्लांट प्लांटेशन थी एंड द होम स्टे ओनर्स वर वेरी स्वीट, सर्व्ड रियली गुड फूड एंड बिकॉज आई हैड सच अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ मुन्नार, इसलिए मैंने इस ट्रिप में सोचा कि मैं मुन्नार की जगह वागमन नाम की एक जगह जाना चाहूंगी विच इज़ अ लिटिल लेस कवर्ड इन कंपेरिजन. बट अगर आप मुन्नार जाएं तो मुन्नार के बाद थेकड़ी जरूर कंसिडर करें. थेकड़ी में एक नेशनल पार्क है विच इज़ कॉल्ड पेरियार नेशनल पार्क एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू गो टू थेकड़ी एंड विजिट दैट नेशनल पार्क. बट दी ओनली थिंग इज मुझे वहाँ पे नाइट सफारी करनी थी बिकॉज वहाँ पे एक नाइट सफारी का भी ऑप्शन होता है एंड द पॉइंट ऑफ अ नाइट सफारी इज कि आप रात के टाइम पे जंगल के बीच में एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में एक्सपीरियंस कर सकते हैं. बट एट द पॉइंट ऑफ माई टूर द थिंग इज नाइट सफारी वॉज नॉट ऑपरेशनल बिकॉज ऑफ द करेंट कोविड गाइडलाइंस. बट अगर आप इन फ्यूचर प्लान कर रहे हैं एंड थिंग्स चेंज ओवर देयर यू कैन ऑल्सो विजिट पेरियार नेशनल पार्क एंड डू कंसिडर द नाइट सफारी ओवर देयर एंड प्लीज टेल मी हाउ इट गोज. बट द नेक्स्ट डेस्टिनेशन आफ्टर थेकड़ी that you can consider is Vagaman. Vagaman ke to maine ek full fledged video banayi hai and I feel like it is one of my favorite destinations for the panoramic views of these green hills that I least expected and also the sunsets over there were just magical and astounding, beautiful, everything that I can, all adjectives that I can use in this moment. Vagaman is going to be one of my top recommendations that you can consider. And post Vagaman, at least I visited Varkala and on the itinerary also, Varkala is the next destination mentioned. Varkala mein bhi bahut kuch hai karne ko, jaise ki you can visit cafes over there, you can consider surfing, you can consider also visiting the beautiful beaches of Varkala. Varkala is a very bohemian kind of destination, also next to the beach. So you could say it's very similar to Gokarna or Goa, but just a different experience because you're actually in Kerala. And of course, it's going to be a fresh experience for you all together. So if you're fond of beaches, you can consider Varkala as well. And another destination, which was the last one as part of my tour also in Kerala, I made 2 videos on Alappi. And there's so much you can do in Alappi. You have beaches over there. You have the backwaters. And backwaters mein bhi kaafi sari activities hain aapke liye, jaise ki aap shikara ride pe ja sakte hain. You can take a houseboat. You can go for kayaking, sunrise kayaking, sunset kayaking. And beach pe to definitely aap maze kar hi sakte hain. You can play frisbee. You can hang out with your friends. And if you're on a solo trip, you can spend a blissful and calm evening by the beach. So Alappi mein bhi bahut kuch hai karne ko and I spent at least 4 days in Alappi and covered literally everything that I could to my heart's content. That was one of the last destinations for me as well.
And after Alleppey, one thing that I haven't mentioned is you can also spend time at Kochi, especially if you're starting your trip from Kochi and aap ye Wayanad wala tour nahi kar rahe to. Aap agar Kochi se start kar rahe to, you can also consider staying 2-3 days over there, provided you have time, and explore a little bit of Kochi also. Kochi mein bhi bahut kuch hai karne ko. But for me personally, I had already covered that in 2017 and I did not want to revisit it just yet. But maybe if I'm visiting Kerala again and if I start from Kochi, I would love to make a video series on it again. Two other destinations that I have previously covered, not for vlogs but for my own personal pleasure, were Trivandrum and Kollam. Actually, I was over there for a campaign with a brand, so isliye maine wo destinations thodi thodi upar upar se to dekhi li hain. But is tour mein mere paas sirf 13 to 14 days ka hi time tha, isliye maine sab kuch nahi cover kiya. But if you're considering working from an offbeat location and traveling in the midst of doing that, or planning a long trip to Kerala, you can look out for this 24-day itinerary that I have provided on my blog post. Isse aapko pura idea mil jayega ki aap kya kya kar sakte hain and all the activities that you can pursue. So that was all for the itinerary. Now quickly going over things you can do in Kerala. Obviously the state has a lot to offer because it's a vast state. Aap wahan pe hiking kar sakte hain, you can take treks. Munnar se for example aap bahut sare treks kar sakte hain. जैसे मीसा पुली माला एक बहुत ही फेमस ट्रैक है. देन देयर इज ऑल्सो कोलू कुमलाई पीक ट्रैक. आई होप आई प्रोनाउंस दैट करेक्टली. सो यू कैन कंसिडर गोइंग फॉर दीज हाइक्स, दीज ट्रैक्स, और यू कैन कंसिडर डूइंग द रेगुलर टूरिस्ट मैप. पेरियार नेशनल पार्क है जैसे कि मैं पहले भी मैंशन कर चुकी हूँ. देन देयर इज एलेपी जहाँ पे आप बहुत सारे बैक वाटर्स का एक्सपीरियंस ले सकते हैं. Then you can also go to beach destinations like Varkala. And overall, अगर आप if you also go back and see the Kerala series, आपको बहुत सारे ideas मिल जाएंगे कि आप और भी क्या क्या कर सकते हैं. I think I personally would definitely want to go back to specifically do some treks or you know hiking trails over there because they are just so beautiful and stunning. आप surfing भी कर सकते हैं वहाँ पे Varkala जाके. So it is a destination which should be on your bucket list, which you should plan out thoroughly, which you should go and enjoy to your heart's content. चाहे आप 7 दिन के लिए जाएँ, 14 दिन के लिए जाएँ, 24 डेज के लिए जाएँ, महीनों के लिए जाएँ, बस जाएँ वहाँ पे, सारी चीज़ें कंसिडर करिए बिकॉज इट्स डेफिनेटली वर्थ इट. एंड विद दिस आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड इट एडेड सम वैल्यू टू योर होल प्लानिंग प्रोसेस. एंड इफ यू डिड फाइंड इट वैल्यूएबल, प्लीज मेक श्योर दैट यू हिट दैट लाइक बटन बिकॉज उससे इस वीडियो को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा. एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो. बाय बाय गाइज़.